सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जशन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफजी वर्जन 3.0 के ऊपर। सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या है इसके न्यू फीचर्स एंड ऑल अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। एंड स्पेसिफिकेशंस के अंडर इंजन टाइप एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक SOHC टू व्हील इंजन टाइप है। इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 149 cc की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। एंड कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो 9.6:1 इसकी कंप्रेशन रेशियो है। एंड मैक्सिमम हॉर्स पावर ये जनरेट करती है 9.1 kW की। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 13.3 Nm ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम। एंड स्टार्टिंग सिस्टम टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्टार्टर प्रोवाइडेड है इसमें। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ओवरऑल लेंथ इसकी 2000 mm डीलक्स की, एंड ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 780 mm, एंड ओवरऑल हाइट 1080 mm इसकी ओवरऑल हाइट है। एंड सीट हाइट की बात करें तो 790 mm इसकी सीट हाइट है। व्हील बेस की बात करें तो 1330 mm इसकी व्हील बेस है। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm इसकी मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड एट एंड का वेट है इसका 135 kg। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स डायमेंशन। सो लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 13 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड कार्ब्यूरेटर टाइप की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन इसकी कार्ब्यूरेटर टाइप है। ट्रांसमिशन टाइप कॉन्स्टेंट मैच 5 speed। एंड सस्पेंशन टाइप की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक दिए गए हैं, एंड रियर में आपको 7-step एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन प्रोवाइडेड है। एंड हेडलाइट एंड टेल लाइट बोथ LED प्रोवाइडेड है आपको। एंड ऑन द अदर हैंड क्लॉक एंड स्पीडोमीटर की बात करें तो बोथ डिजिटल प्रोवाइडेड है। एंड बैटरी इसमें आपको 12 W की प्रोवाइडेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स मूव फर्दर। सो फ्रंट लुक्स आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है आपको। डिसेंट सी हेडलाइट है विद स्मॉल डिसेंट से इंडिकेटर्स हैं। एंड सबसे पहले आपको इधर यामाहा की बैजिंग देखने को मिलती है, एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर द नंबर प्लेट। एंड नाउ आप देख सकते हैं फ्रंट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलती है। एंड सबसे पहले आपको इधर यामाहा की बैजिंग विद ABS, एंड फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फॉक है ये, देख सकते हैं आप इधर। एंड डिस्क ब्रेक प्रोवाइडेड है 282 mm की डिस्क ब्रेक आपको इधर प्रोवाइडेड है। एंड अलॉय व्हील देख सकते हैं, ग्लॉसी से काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट, एंड नाउ वी विल मूव फर्दर। द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की लुक्स देखने को मिलती है। एंड सबसे पहले आपको इधर यामाहा की पैचिंग मिलती है डिसेंट सी, एंड अगेन हमारी FZ वर्जन 3.0 एंड इंजन के ऊपर यामाहा की पैचिंग फिर। एंड दिस इज़ आवर होल प्रीटी इंजन, एंड दिस इज़ आर rear braking pedal, and this is our foot rest, and this one is silencer. And rear suspension की बात करें तो आप देख सकते हैं rear suspension provided है, and this is whole about the right hand side. So let's move further. लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की लुक्स प्रोवाइडेड हैं आपको। एंड सबसे पहले स्टिल इधर भी आपको सेम, सबसे पहले यामाहा की बैचिंग एंड FZ वर्जन 3.0 की बैचिंग है। एंड दिस इज आर gear shift lever, and this is our main stand, this is our side stand, and this is it for the left hand side. Now basically looks आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है आपको। This is our pretty silencer on right hand side आप देख सकते हैं, and this is our tail light, this is our side indicators, ये हमें number plate के लिए जगह provided है। and mud guard भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी quality का है and काफ़ी अच्छा लगता है। and this is it for rear view. So let's move further. So now at end हम fuel tank and digital meter के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं इधर आपको fuel tank provided है जिसकी capacity मैंने आपको already बता दी है। एंड दिस इज़ द फ्यूल टैंक में आपको सबसे पहले यामाहा की लिटल सी छोटी सी डिसेंट सी बैचिंग देखने के लिए मिलती है, आप देख सकते हैं यामाहा। एंड इधर हमारा डिजिटल मीटर के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से इंडिकेशंस प्रोवाइडेड हैं आपको। सबसे पहले आपको इधर यामाहा की बैचिंग मिलती है, एंड दिस इज़ होल कंपार्टमेंट डिजिटल है। एंड
इधर सबसे पहले न्यूट्रल इंडिकेशन है एंड चार्ज, एंड दिस इज़ आवर साइड इंडिकेटर्स एंड ABS की इंडिकेशन आप देख सकते हैं, एंड फ्रंट हाई बीम लाइट की इंडिकेशन है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल मीटर ऑफ दिस FZ, एंड दिस इज़ आवर लेफ्ट एंड राइट मिरर, साइड मिरर्स देख सकते हैं, एंड सबसे पहले आपको इधर हाई बीम प्रोवाइडेड है आप देख सकते हैं, एंड दिस इज़ आर लो बीम, एंड दिस इज़ आर पास, आप पास देख सकते हैं, एंड दिस इज़ आर साइड इंडिकेटर्स लेफ्ट एंड राइट, एंड दिस इज़ ऑन, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको सबसे पहले इधर ये मेन जो ऑन ऑफ के लिए होता है, एंड दिस इज़ आर सेल्फ स्टार्ट बटन, एक्सेलरेटर, एंड दिस इज़ आर फ्रंट डिस्क ब्रेक जो प्रोवाइडेड है आपको, एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल मीटर ऑफ FZ, एंड एट एंड आप देख सकते हैं आपको डिसेंट सी कीज़ प्रोवाइडेड हैं, काफ़ी अच्छी है यामा की, और सिंपल सी है, डिसेंट सी है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन टेक केयर।